यह है वाइन की फैक्ट्री जहां ग्रेप्स की मदद से वाइन्स बनाई जाती है और ये टैंक्स में करीब 5 लाख लीटर से भी ज्यादा वाइन स्टोर की जाती है। और ये रूम में ये स्पेशल लकड़ी के बैरल्स रखे हुए हैं जिसके अंदर अभी ये लोग ने वाइन भर के रखी है और करीब 2 साल तक यहाँ वाइन स्टोर की जाती है वाइन को जूना करने के लिए। ये पूरे ग्रेप्स के फार्म है जो करीब 200 एकड़ में फैले हुए है। यहीं से ग्रेप्स को उगा कर फिर उसे फैक्ट्री में प्रोसेसिंग को भेजा जाता है। वो सारी चीजें मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाता हूँ। हाय गाइस, आज के व्लॉग में हम लोग आए हुए हैं नासिक में। नासिक को वाइन कैपिटल भी कहा जाता है। तो वाइन कैपिटल में हम लोग देखने के लिए आए कि वाइन कैसे बनाई जाती है। वाइन्स को है ना यहाँ पर ग्रेप्स की मदद से बनाया जाता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो वहाँ पर है ना पूरे ग्रेप्स के फार्म है। तो फार्म से लेकर उसको फैक्ट्री में प्रोसेसिंग करने तक, उसको बॉटल में ले जाने तक का मैं प्रोसेस आपको पूरा बताने वाला हूँ। यही प्रोसेस देखने के लिए हम लोग आए हुए हैं सुला वाइन्स में और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि वाइन्स कैसे बनती है और मेरा पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। आप लोग कैसे विजिट कर सकते हो सारी डिटेल्स देता हूँ। तो गाइस, अभी सबसे पहले है ना हम लोग यहाँ पर फार्म की तरफ आ चुके हैं जहाँ पर ग्रेप्स उगाई जाती है। तो आप ये तरफ जो देख रहे हो ना, यहाँ पर अभी इन्होंने ग्रेप्स यहाँ पर लगा के तो रखी है लेकिन अभी तक आई हुई नहीं है। इनके फार्म में है ना 2 टाइप्स की ग्रेप्स बनती है, एक वो ग्रीन वाली रहती है और एक ब्लैक वाली। तो ग्रीन वाली जो ग्रेप्स रहती है ना उससे जो व्हाइट कलर की वाइन होती है वो बनाई जाती है और ब्लैक कलर की जो वो ग्रेप्स रहती है उसकी मदद से अपनी रेड वाइन बनाई जाती है। तो वाइन को बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट अपना ग्रेप्स होता है। तो ग्रेप्स देखो यहाँ पर पहले उगाई जाती है, फिर उसको आगे उगने के बाद उसको आगे फैक्ट्री में भेजा जाता है प्रोसेसिंग के लिए। After harvesting, we get our grapes on this empty platform called as a crush pad. ये जो सामने आप मशीन देख रहे हो ना, इसे क्रशर मशीन कहा जाता है। जो ग्रेप्स फार्म से लाई जाती है वो इसके अंदर डाल के सारा जूस निकाला जाता है सबसे पहले। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर सारे मशीन अभी बंद पड़े क्योंकि ये अभी सीजन नहीं है ग्रेप्स का और ग्रेप्स अभी आई नहीं है। यहाँ पर अभी काम बंद पड़ा हुआ है लेकिन जो इन्होंने पहले से ग्रेप्स का जूस निकाल के रखा है ना, जिसको वाइन बनाने के लिए वो लोग ने आगे स्टोर करके रखा है, वहां मैं आपको भी ले चलता हूँ। अभी हम लोग फैक्ट्री के दूसरे पार्ट में आ चुके हैं। जो ग्रेप्स को क्रश किया जाता है उसमें से जो जूसेस निकाले जाते हैं ना, वो ये वाले यहाँ पर टैंक्स बनाए गए हैं। ये टैंक्स के अंदर स्टोर किया जाता है, इसको करीब है ना 20 से 25 दिन यहाँ पर स्टोर किया जाता है। ये जो टैंक लगे हुए है ना, इसकी कैपेसिटी है 25 लीटर्स की और ऐसे है ना 120 टैंक्स यहाँ पर लगे हुए हैं। ये टैंक के अंदर जो ग्रेप्स का जूसेस रहता है ना उसको डालने के बाद यीस्ट ऐड किया जाता है, जिसकी मदद से यीस्ट जो शुगर रहता है ना वो उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो उसका यही काम होता है, 20 से 25 दिन तक यहाँ पर स्टोर किया जाता है। फिर जो उसके आगे की प्रोसेस है ना उसको एजिंग के लिए रखा जाता है करीब 1 से 2 साल तक। तो वो है ना दूसरे रूम में रखा जाता है, तो वहाँ पर मैं ले जाता हूँ आपको। तो मेरे पीछे आप बैरल्स देख रहे हो ना, ये ऐसे वुडन के बैरल्स रहते हैं और ये स्पेशल टाइप का वुड रहता है जिसके अंदर है ना अभी वाइन्स सारी स्टोर करके रखी हुई है। यहाँ पर करीब है ना 1 से 2 साल तक अलग अलग टाइप्स की वाइन्स को यहाँ पर स्टोर किया जाता है। बैरल्स के अंदर है ना अभी वाइन स्टोर करके रखी हुई है, यहाँ पर है ना एजिंग करने के लिए रखा जाता है। एक्चुअली में वाइन को यहाँ पर 1 से 2 साल तक अलग अलग टाइप्स की वाइन को उसके एज के हिसाब से यहाँ पर स्टोर किया जाता है। इसके अंदर ये सारे जो आप बैरल्स देख रहे हो अभी यहाँ पर इसके अंदर वाइन्स भरी हुई है। तो यहाँ तक तो आपने ये वाइन मैन्युफैक्चरिंग का देखा। फिर वो बैरल्स मैंने जो लास्ट में दिखाया, वो बैरल्स को है ना यहाँ नासिक से करीब 40 किलोमीटर दूर उनकी अलग एक फैक्ट्री है, वहाँ पर पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है, लेबलिंग के लिए भेजा जाता है। वो लेबलिंग और पैकेजिंग का पार्ट है ना ये वाले फैक्ट्री में नहीं किया जाता है। और टूर खत्म होने के बाद ये लोग एक वाइन टेस्टिंग सेशन भी करते हैं, जिस वो भी चार्जेबल रहता है, वो आपके टिकट में इंक्लूडेड होता है। जो आप अगर 21 इयर्स के अबव हो तो आप वो वाइन टेस्टिंग में जा सकते हो। उसमें से अगर कोई आपको वाइन्स अच्छी लगती है तो यहाँ पर स्टोर्स भी होते हैं जिसमें से आप वाइन परचेज कर सकते हो। सो गाइस, अपना वाइन का टूर तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मेरा एक्सपीरियंस बताओ तो वाइन देखने का वो मेकिंग का प्रोसेस वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बाकी और कुछ यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। और बाकी मैं अगर यहाँ पर फूड की वगैरह की बात करूँ तो फूड भी यहाँ पर आपको है ना बहुत एवरेज सा मिलने वाला है। देखो, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो अगर ये वाइन मेकिंग को देखने के लिए तो आप भी यहाँ पर आ सकते हो, लेकिन मैं इतना हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आज पर्सनली देखा ना तो इतने डिटेल में ये लोग नहीं बता रहे थे और यहाँ तक आना वेस्ट है और इतना ज़्यादा हाई चार्ज भी कर रहे ये लोग उसकी वजह से। तो मैंने जो आपको प्रोसेस दिखाई वही सेम प्रोसेस है, आप वीडियो देखकर भी हो तो समझ सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको अलग ही शौक है यहाँ पर आने का तो फिर आप आ सकते हो। और मैं आपको टिकट रेट्स बता देता हूँ। वीकडेज में है ना इसके 600 रुपीज़ पर पर्सन रहता है अगर आप डे टूर के लिए आना चाहो, और वहीं वीकेंड्स में आओ तो 1000 रुपीज़ रहता है। तो वही 600 में से आप 200 यहाँ पर फूड के लिए यूज़ कर सकते हो और 400 आप वाइन टेस्टिंग के लिए और वाइन्स के कुछ भी खरीदने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो टोटली 600 होता है ना वो रिडीमेबल होता है, लेकिन यहाँ पर आइटम्स इतनी ज़्यादा कॉस्टली है ना
कि कोई कोई आइटम्स आपको 600 के नीचे देखने ही नहीं मिलेगी। तो जो टिकट प्राइस में आपको 600 चार्ज कर रहे हैं ना, उससे हाई प्राइस आप पे कर यहाँ पर निकलने वाले हो अगर आप कुछ खरीदोगे तो। टूर के अलावा है ना यहाँ पर रूम्स भी अवेलेबल होते हैं, जो कि रूम्स है ना काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, पर डे के यहाँ पर करीब 8,000 से लेकर 10,000 तक होते हैं। ऑलराइट, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बस अभी हम है ना ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। सो गाइस स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल द टाइम गुड बाय।